नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जनजातियों के जो नृत्य है उनके बारे में, यानी जनजातियों के जो लोक नृत्य है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक लगा लीजिएगा, जनजातीय नृत्य। टॉपिक है हमारा जनजातीय नृत्य, जन जातीय नृत्य। और जनजातीय नृत्य के अंदर हम सबसे पहले जिस जनजाति का नाम लेने वाले हैं वो है नंबर एक पर भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति के बहुत सारे लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के बहुत सारे लोक नृत्य है। जैसे नंबर एक पर मैं बात करूं, याद रखिएगा, युद्ध। नंबर दो पर शिकार। नंबर तीन पर गेर। नंबर चार पर नेजा। नंबर पांच पर गौरी। नंबर छह पर शिकार। नंबर सात पर झूमर। नंबर आठ पर लाठी। नंबर नौ पर द्विचक्री। नंबर दस पर रमणी। और रमणी के बाद में अगला नृत्य आता है हाथी मन्ना। बारह पर आ जाएगा गवरी। और तेरह पर आ जाएगा बेरी हाल। ये सभी नृत्य जो हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी नृत्य माने जाते हैं भील जनजाति के। ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के सभी नृत्य माने जाते हैं। युद्ध नृत्य, शिकार नृत्य, गैर नृत्य, नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, शिकार नृत्य। शिकार नृत्य हमने दो बार लिख लिया है, एक बारी, उसके बाद में झूमर, लाठी, द्विचक्री, हाथी मन्ना, घवरी और फिर है बेरी हाल नृत्य। सीधी सी बात है, पहला जो नृत्य है जिसका नाम है युद्ध नृत्य, यानी इस युद्ध नृत्य के अंदर युद्ध की कलाबाजियां दिखाई जाती है, तलवार चलाना अलग अलग प्रकार से, है ना, तो वो तमाम युद्ध की कलाबाजियां दिखाई जाती है। शिकार नृत्य, इसमें एक भील पुरुष जो है जंगल में शिकार करते हुए बताया जाता है, तीर कमान लेकर के, और वो शिकार करते हुए नृत्य करता है। गैर नृत्य, गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रखिएगा, होली पर किया जाता है गैर नृत्य, और इसमें अंगरखी पहनकर किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है, ध्यान रखिएगा, नेजा नृत्य जो है एक खेल नृत्य है, खेल नृत्य, खेल खेलते हुए किया जाता है, और युगल नृत्य है, युगल नृत्य है, ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं नेजा नृत्य, खेल नृत्य है और युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गौरी नृत्य, ये भी भील जनजाति का नृत्य है, माँ पार्वती को समर्पित है, माँ पार्वती को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। झूमर नृत्य, घूम घूम कर किया जाने वाला झूमर नृत्य है, ध्यान रखिएगा, झूमर नृत्य गोल घेरा बनाकर किया जाता है। उसके बाद में बात करें लाठी नृत्य,
हाथ में लाठी लेकर के, लकड़ी लेकर के किया जाने वाला नृत्य है। द्विचक्री नृत्य, इसमें दो चक्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अंदर वाला चक्र जो है वो महिला का हो गया, तो बाहर वाला चक्र जो है वो पुरुषों का हो जाएगा, और इस तरीके से गोल घेरा बना करके नृत्य किया जाता है, द्विचक्री नृत्य। रमणी नृत्य याद रखिएगा, वील स्त्रियों के द्वारा विवाह पर किया जाता है। रमणी नृत्य विवाह पर किया जाता है वील स्त्रियों के द्वारा। हाथी मन्ना, ध्यान रखिएगा, हाथी मन्ना भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, और युगल नृत्य है, ध्यान रखिएगा, युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। हाथी मन्ना विवाह का नृत्य है, युगल नृत्य है, और ये भी ध्यान रखना है ये बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है हाथी मन्ना, ध्यान रखिएगा, हाथी मन्ना नृत्य बैठकर किया जाने वाला नृत्य है हाथी मन्ना नृत्य। फिर हम बात करते हैं अगला गबरी नृत्य। गबरी एक नृत्य नाटिका है, ध्यान रखिएगा, गबरी एक नृत्य नाटिका है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे गबरी नृत्य नाटिका के बारे में। गबरी या राई नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, भी कहते हैं। गबरी, गबरी का मतलब पार्वती, ध्यान रखिएगा, गबरी मन पार्वती, भगवान शिव की पत्नी पार्वती के नाम पर यह नृत्य है। रक्षाबंधन के बाद, ध्यान रखिएगा, यानी श्रावण पूर्णिमा के बाद से लेकर के आश्विन पक्ष की, शुक्ल पक्ष की नवम तक किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान रखिएगा, लगभग 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है, 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है, और भारत का एकमात्र नृत्य नाटिका है जो केवल और केवल दिन में आयोजित की जाती है, दिन में आयोजन होने वाली एकमात्र नृत्य नाटिका है जो 40 दिनों तक चलती है, ध्यान रखिएगा, इसमें महिलाओं का रोल भी स्वांग के रूप में पुरुष ही करते हैं, शुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य नाटिका है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे लंबी चलती है। राजस्थान के दक्षिणांचल के अंदर अगर हम बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों के अंदर जहां पर भील जनजाति रहती है वहां पर ये नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाता है, दिन में आयोजन किया जाता है। इसे राई की घाई भी कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी इसको कहा जाता है, राई की घाई कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी गबरी नृत्य नाटिका को कहा जाता है, दिन में आयोजित होने वाली एकमात्र नृत्य नाटिका है। फिर इस पर प्रश्न आता है कि इसमें जो भगवान शिव है उसको पुरिया के नाम से जाना जाता है, माँ पार्वती को राई के नाम से जाना जाता है, और याद रखिएगा इसका जो सूत्रकार है, इस नृत्य नाटिका का जो सूत्रधार है, सूत्रकार है, उसे कुटकुड़िया के नाम से जाना जाता है, और जो इस नृत्य नाटिका में कविता का वाचन करता है उसे झमटिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कविता वाचन करता है उसे झमटिया के नाम से जाना जाता है, और इस कविता को जो पुनः दोहराता है, बीच बीच में डायलॉग बोलता है, हंसी मजाक करने का काम करता है, जोकर का जो रोल अदा करता है उसे खटकड़िया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे खटकड़िया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये राई की घाई या जो ये गबरी लोक नृत्य नाटिका है, इस गबरी लोक नृत्य नाटिका के अंदर कौन सी कथा का आयोजन किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान का एक भक्त था भस्मासुर, जिसने कठोर तपस्या की और उसने एक आशीर्वाद प्राप्त किया भस्म करने का। शिव ने आशीर्वाद दिया तो उसके मन में माता पार्वती को प्राप्त करने की लालसा हुई और वो शिव को भस्म कर पार्वती को पाना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण करके भस्मासुर का अंत कर दिया। तब भस्मासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके नाम पर इस नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा। तब से ये नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाता है। इसमें छोटी छोटी
नृत्य नाटिकाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे भंवरा भंवरिया, कालू कीर, कान गुजरी, गोमा मीणा, है ना, इस प्रकार के छोटे छोटे नृत्य नाटिकाओं का आयोजन करके, कथाओं का आयोजन करके इस नृत्य नाटिका को लगभग 40 दिनों तक चलाया जाता है। तो अपन इस पे बात कर लेते हैं, पार्वती को इसमें राई कहा जाता है, शिव को पुरिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा शिव को पुरिया कहा जाता है, इसका जो सूत्रकार है उसे कुटकुड़िया कहा जाता है, और जो कविता वाचन करता है उसे जामटिया कहा जाता है। कविता का दोहरान व हंसी मजाक करने वाला जोकर फुटकड़िया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पार्वती को राई कहा जाता है, शिव को पुरिया कहा जाता है, गौरी का सूत्रकार कुटकुड़िया कहा जाता है, गौरी में कविता वचन करने वाला जमटिया कहलाता है, गौरी में कविता का दोहरान करने वाला, पीछे पीछे दोहराने वाला, और जोकर का काम, हंसी मजाक का काम करने वाला कुटकुड़िया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। इसमें जो छोटी छोटी नाटिकाएं आती है, गौरी की छोटी नाटिकाएं, कालू कीर, गोमा मीणा, भंवरा भंवरिया, कान गुजरी, ऐसी छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएं इसके साथ में आयोजित की जाती है। ध्यान रखिएगा ये सभी बातें गौरी या राई की घाई नृत्य नाटिका में आती है, इसे राई की घाई भी कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है, इसी को ध्यान रखिएगा, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, 40 दिन तक चलने वाला है, दिन में होने वाला, मैंने कहा था संपूर्ण भारत में दिन में आयोजन होने वाली एकमात्र नृत्य नाटिकाएं हैं, महिला का रोल भी पुरुष करते हैं, ध्यान रखिएगा महिला का रोल भी पुरुष ही अदा करते हैं। ये तमाम बातें आपको भील जनजाति के नृत्यों के बारे में ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में नंबर 2 पर हम लेकर के आते हैं ग्रासिया जनजाति।